आ जाओ दोस्तों। सबसे पहले तो आप सब लोगों को जो भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं या भारत के बाहर कहीं भी रहते हैं किसी दुनिया के हिस्से में और मेरा YouTube चैनल देखते हैं, आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलो आ जाओ फिर, आज लेके चल रहा हूँ मैं आपको। इधर पतंगबाजी हो रही है और आप देख लो यहाँ पर, लास्ट टाइम जो मैंने कहा था कि मैं क्यों वापस लौट गया था, जूते मोजे पहन रखे थे, जीन्स पहन रखी थी और काली शर्ट पहन रखी थी लंबी स्तीन की, जूतों में रेत भर जाती, पानी को पार करना था। और पानी की बात पे याद आया कि पानी को कभी सांस लेते सुना है या देखा है? तो देखो आज और आज मैं जहाँ आपको लेके आया हूँ, इस जगह का नाम है हुड रिवर वाटर फ्रंट पार्क। ये हमारे पास का राज्य है ओरेगन, वहाँ पर है। और हुड रिवर को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ विंड सर्फिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप में से कुछ लोगों को पता ना हो कि सर्फिंग क्या होती है, तो लहरबाजी करना या लहरों पे कलाबाजियाँ खाना, उसको सर्फिंग बोलते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे समुद्र में सर्फिंग के वीडियोस देखे होंगे आपने, फिल्मों में देखा होगा उसको। लेकिन ये जगह जो है मशहूर है, ये है विंड सर्फिंग, मतलब यहाँ लहरों पर तो करतब दिखाते हैं लोग या लहरबाजी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन रोल उसमें होता है वो हवा का। और अगर आपने कभी पतंगें उड़ाई होंगी तो यहाँ पर पतंगें ही उड़ाई जा रही हैं। और ये जो मैदान है, इसको जाना था मेरे को पार करके यहाँ से सामने से। पहले तो यार मैं खड़ा रहा वहाँ पे, हिम्मत ना हो जाने की, हालांकि मैं चप्पल पहन के आया था आज तो। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि लोग उसको पार करके जा रहे हैं और घुटने घुटने पानी है, तो फिर मैंने कहा चलो ये ठीक है, तो पार करके मैं यहाँ आ गया। अब आप सोच सकते हो मैं पिछली बार क्यों लौट गया है। आपको यहाँ पर कोई एक भी कोई आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा होगा जो कहीं सूटेड बूटेड या कपड़े पहन के घूम रहा हो। जो खेल के कपड़े होते हैं, जिस खेल के, उससे संबंधित कपड़े पहन रखे हैं लगभग 100% लोगों ने मेरे अलावा। और इस मैदान में यहाँ पर पतंगों को तैयार किया जा रहा है और यहाँ पतंगे इंसान को उड़ाती हैं। हम तो पतंगों को उड़ाते थे, यहाँ पतंगे इंसान को उड़ाती हैं। अभी आप देखना। और पानी के जो खेल हैं उनमें जो कपड़े पहने जाते हैं, आप देख रहे हो उन लोगों को, वो बिल्कुल शरीर से चिपटे हुए होते हैं ताकि पानी को काटने में आसानी हो उनको। और ढीले ढाले कपड़ों में, कपड़ों के अंदर पानी घुस जाएगा। तो चलो थोड़ी देर आप देखो कि विंड सर्फिंग होती क्या है और कैसे करते हैं लोग, उसका आनंद लो। और वो जो सामने आपको दिख रहा है मैदान, लास्ट टाइम मैंने वहीं से एक 12 सेकंड का वीडियो बनाया था खड़ों के, इधर को आया ही नहीं, आता कहाँ है जूते पहन के, चल नहीं मिलता वैसे तो रेते में और फिर ऑकवर्ड पोजीशन होती। इसलिए आज तो मैं नेकर पहन के आया हूँ और बिल्कुल हल्की सी कमीज पहन के, नंगे पैर, और 55 साल की हैं माता जी, सर्फिंग कर रही हैं। बच्चे नहीं थे, बच्चों को तो रिस्की होता, लेकिन हाँ अधिकांश जवान लोग थे जो विंड सर्फिंग कर रहे थे यहाँ पर। अगर गूगल में लिखोगे आप ना विंड सर्फिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, आपको मिल जाएगी जगह ये। और देखो ना आप लोग एक बात, कि हर एक यूट्यूबर का एक फील्ड होता है वीडियो बनाने का, जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है।
और मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो या तो पर्यटन स्थलों को बनाता हूँ, टूरिस्ट प्लेसेस के, जो ओरेगन और वाशिंगटन में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर मैं जा सकता हूँ, मेरी अप्रोच होती है उसके बनाता हूँ, या फिर जो बहुत सारे प्राकृतिक स्थान हैं क्योंकि ये प्रकृति से भरपूर स्टेट्स हैं दोनों, या मैं उनके वीडियो बनाता हूँ, और या फिर जो यहाँ का जनजीवन है, जो यहाँ का कल्चर है उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। और उससे बाहर निकल के वीडियो बनाना मेरे लिए संभव ही नहीं होता, इसलिए मेरे से और इसी प्रकार के वीडियो की आप अपेक्षा कर सकते हो। इस फील्ड से बाहर निकल के वीडियो बनाना मेरे बस की बात है नहीं। और ओरेगन राज्य में तो बहुत सारे भारतीय रहते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो है हब है एक तरीके से। अगर आप लोग यहाँ पर रहते हो तो जब कभी आप इस तरफ आओ हुड रिवर की तरफ, तो आपको रास्ते में बहुत सारी जगहें देखने को मिलेगी जहाँ पर रुक कर आप उनको देख सकते हो। विस्टा हाउस आपको देखने को मिलेगा, एक बड़ी मशहूर जगह है जहाँ से आप कोलंबिया रिवर का नज़ारा ले सकते हो। और एक फेमस हैचरी मिलेगी जहाँ पर फ़िश हैचिंग होती है, स्टर्जन फिश की। और उसके अलावा आपको एक बहुत ही मशहूर डैम है यहाँ पर, बोनाविल डैम, उसको देख सकते हो। और फिर रास्ते में आपको कास्केड मरीन पार्क मिलेगा, बेहद खूबसूरत जगह है वो भी, वो देख सकते हो आप। साथ में यहाँ पर आप हुड रिवर पे आ सकते हो, सर्फिंग का आनंद ले सकते हो, लोगों को सर्फ करते हुए देख सकते हो। और साथ में जो हुड रिवर टाउनशिप है वो एक छोटा सा टाउन है, बहुत ही खूबसूरत टाउन है। और वहाँ पर एक एरिया है फ्रूट लूप, एक 35 माइल की एक ड्राइव है जहाँ पर आप बहुत ही प्रकृति के सुंदर नज़ारे देख सकते हो। वहाँ पर फलों के बगीचे हैं, तो अगर कभी प्लान करो तो थोड़ा सा गूगल पर सर्च करना आप, तो आपको बहुत सारी जगहें यहाँ पर ऐसी होंगी जो आप देखोगे और आपको आनंद आएगा देखने में। और उसके अलावा एक मशहूर फॉल है मल्टीनोमा फॉल, वो रास्ते मिलेगा आपको, अद्भुत विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा फॉल का। और अगर आपको हाइकिंग का शौक है तो आप आसपास जाकर और बहुत सारे भी छोटे छोटे फॉल्स देख सकते हो। और यहाँ देख लो, ये मैदान है जहाँ पे पतंगों के कन्ने बांधे जा रहे हैं, और कन्ने बांध कर फिर पहले पतंग को लोग उड़ाते हैं, फिर जब वो पानी में चले जाते हैं फिर पतंग उनको अपने साथ साथ खींचे खींचे फिरती है। तो देखो आप लोग और आनंद लो, टेस्टिंग हो रही है पतंगों की, ये कन्ने वन्ने सही बंधे हैं नहीं बंधे, खींच खाँच के देख रहे हैं, फिर बाद में पतंग ले जाइए खींच के, और फिर जब पानी भी चले जाएंगे तो आप देख ही रहो क्या हो रहा, किस प्रकार का आनंद आ रहा लोगों को। हमारे लिए तो करने की बात तो नहीं है, लेकिन देखने के लिए तो है ही। और अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है तो आप जब जहाँ मेरा नाम लिखा होता है, मेरे चैनल का नाम लिखा होता है, अगर आप मेरे चैनल के नाम को क्लिक करोगे राजन सिंह को, तो एक पेज खुलता है जो मेरा चैनल होता है, वहाँ पर ऊपर वीडियोस लिखा होता है, होम लिखा होता है, वीडियो लिखा होता है, प्लेलिस्ट लिखी होती है। अगर आप वीडियो सेक्शन को क्लिक करोगे और वहाँ पर वीडियो को थोड़ा सर्च करोगे, वीडियोज़ को, चूँकि 300 ज़्यादा वीडियो हैं, तो आपको ओरेगन और वाशिंगटन की बहुत सारी खूबसूरत जगहें जो हैं उनको आप देख सकते हो, और भविष्य में वहाँ जाने के लिए प्लान कर सकते हो। अगर आप इस एरिया में रहते हो और भारतीय हो, या फिजी के हो, या पाकिस्तानी हो, और मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, तो आप उन सारी जगहों को देख सकते हो, और बहुत सारे बेहतरीन नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत सारी ऐसी जगहें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी जो बिल्कुल नई हो, जिनके बारे में आपने सुना होगा लेकिन उनको देखा नहीं होगा। तो आप प्लान कर सकते हो वहाँ जाने के लिए मेरे वीडियो को देख के। और अगर इन सब जो खेल हो रहे हैं यहाँ पे, जो ये सर्फिंग कर रहे हैं लोग, या ये जो बोट चला रहे हैं छोटी छोटी, अगर आपको इन सब की जानकारी नहीं है, तो ये जो बीच में पेड़ लगे इसके पीछे एक और एरिया है छोटा सा, जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ में बोट पैडलिंग भी कर सकते हो, या पैडल बोट होती है वहाँ पर उसको चला सकते हो आप लोग। उसके अलावा पानी में घुस के बच्चे खेल सकते हैं, वहाँ पर कम पानी है लेकिन आपको उनके साथ में रहना होगा। और वीडियो मेरा समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, या समाप्ति की ओर जा रहा है, या ख़त्म होने वाला है। और जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब खैर, बाय गाइस, टेक केयर, फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सर्फिंग और म्यूज़िक दोनों का आनंद उठाओ आप लोग।